आज हम व्रत वाली कढ़ी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने मिक्सी जार लिया है। इसमें हम आधा कप मूंगफली, जिसको हम ड्राई रोस्ट करके इसका छिलका उतार लिए हैं, जार में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती, ये हरी मिर्च है जैसे लाल हो गया, ये डाल देंगे। और आधा चम्मच अदरक, दो चम्मच दही डाल के और नमक डाल के इसको हम पीस लेंगे। व्रत वाला नमक इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे। इसका हम एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे, जैसे चटनी बनता है उस तरह से। अब कढ़ी के लिए हम घोल बनाएंगे। इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच सिंघाड़े का आटा, और ये जो हमने पेस्ट बनाया था मूंगफली का, ये डाल देंगे पूरा। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। पहले अच्छे से हमको फेंट लेना है। अगर दही में थोड़ा सा घुटनी टाइप का अगर आपको लग रहा है तो आप मिक्सी में इसको डाल के एक बार चला दीजिए। ये देखिए दही में हमें थोड़ा सा घुटनी टाइप का लग रहा है, इसको हम मिक्सी में डाल के एक बार चला देंगे, सारा एक सा मिल जाएगा। इसको हम जार में डाल के एक बार चला लेंगे। ये देखिए हमने घोना चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर देंगे। इसमें डाल देंगे एक चम्मच घी। व्रत का इसलिए घी बना रहे हैं, आप चाहे जो भी व्रत में रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते होंगे उसमें भी बना सकते हैं। इसमें डाल देंगे एक चम्मच जीरा। जीरा जब अच्छा चटक जाएगा तो इसमें दो लाल मिर्च डाल देंगे साबुत सूखी, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक। अब इन सबको भून लेंगे। छौंक हमारा देखिए तैयार हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो दही का घोल हमने बना के रखा था सिंघाड़े काटे का, इसमें हम दो कटोरी पानी भी डाले थे, दो कटोरी दही में दो कटोरी पानी भी डालना है। अब इसको हम चलाते हुए पकाएंगे। इसका हमें गाढ़ा घोल नहीं बनाना है, पतला ही बनाना है। अभी इसको पकेगा, पकते पकते ये गाढ़ा हो जाएगा। दो कटोरी दही में दो कटोरी पानी जरूर डालिएगा, आधा चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार। इसको हम पकाएंगे, इसको हमें छोड़ना नहीं है, बराबर चलाते हुए, नहीं तो दही फट जाएगा। जब तक इसमें अच्छा सा उबाल नहीं आ जाएगा तब तक इसको हमें चलाना है। अब हम कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाएंगे। इसके लिए हमने 5-6 चम्मच सिंघाड़े का आटा ले लिया है एक बाउल में। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक, नमक स्वाद अनुसार। ये व्रत वाला नमक है, थोड़ी सी धनिया की पत्ती। अब इन सबको पहले हम अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से हमें फेंटना है। इसको अच्छे से हमें फेंट लेना है पहले थोड़ी देर के लिए। व्रत में आप एक ही चीज खाते खाते अगर बोर हो गए हैं तो इस तरह से आप एक बार सिंघाड़े की कढ़ी बना के जरूर खाएं, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। एकदम नए तरीके से इसको हम बनाए हैं। ये देखिए 2 मिनट हमने फेंट लिया है, एकदम हल्का हो गया है हमारा सिंघाड़े का आटा। अब इसमें हम डाल देंगे एक आलू, जिसको हमने महीन महीन काट लिया है, मिला देंगे। इसी में देखिए हम छोटा छोटा पकौड़ी डाल देंगे। इस तरह से जब खोलेगा उसी समय में डालना है, छोटी छोटी पकौड़ी डालेंगे क्योंकि फूल के ये बाद में बड़ी बड़ी हो जाएगी। एकदम छोटी छोटी हमको डालना है। ये कच्चा आलू है, उबला हुआ आलू नहीं है, बस इसको बारीक बारीक काट के इस तरह से हमको जैसे पकौड़ी बनाते हैं इसे बनाना है। इस समय आँच हमको मीडियम टू हाई रखना है। सारी पकौड़ी हम इसमें डाल देंगे, तब आँच धीमा करके 10 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। 10 मिनट के लिए हमको इसको पकाना है धीमे आँच पे। अच्छे से हम कवर कर देंगे, धीमे आँच पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए 15 से 20 मिनट हमने कढ़ी को पकाया है। कढ़ी बन के हमारा तैयार हो गया है, बढ़िया सा। ये देखिए इसकी पकौड़ी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। अब हम गैस बंद कर देंगे, डाल दें इसमें धनिया की पत्ती थोड़ी सी।
कढ़ी में हम घी और लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। डाल देंगे लाल मिर्च, हल्का सा हम फ्राई करना है। ये देखिए हमारी व्रत वाली कढ़ी टेस्टी सी हेल्दी सी बनके तैयार है। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।